गिरना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा है। खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो तूने अपनी मन शामे मलंग सी, रात हाँ तो भाई शुरू से चालू करते हैं। तो जापान के माउंट फूजी के बारे में तो सभी लगभग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। तो माउंट फूजी इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन जापान, अराउंड 3776 मीटर टॉल, एंड द जापानीज कॉल इट फूजीसान, एंड इसकी कांजी कुछ इस तरह है, फूजीसान। तो फूजीसान का जो फू है इट मीन्स वेल्थ और अबंडेंट। इस कांजी को यूज़ करके वी ऑल्सो से तोमु विच मीन्स टू बी रिच इन समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदो वा थेन्ने शिगे नि थोंदे इरुकुनी देस, मतलब इंडिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। एंड फुजी का जो जी है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ मैन ऑफ स्टेटस। तो जैसे एदो पीरियड में समुराई को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी जापान में, तो दिस कांजी ऑल्सो मीन्स समुराई। तो नाम की बात बहुत हो गई, अब ज़रा आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फुजी चान। तो भाई फुजी चान एक एक्टिव वोल्केनो है दैट इज इरप्टेड एटलीस्ट 16 टाइम्स इन 781 AD, and the most recent recorded eruption of Mount Fuji occurred on December 16, 1707, an event known as Hoi eruption, and since then it has remained quiet for about 300 years. But experts says ki ye bhai kabhi bhi phat sakta hai, isliye Japan monitors Fuji-san's volcanic activity literally 24 hours a day. Acha, Mount Fuji is divided into stations, like total 10 stations hain, and trails hain alag alag summit par jaane ke liye. And it begins from its respective fifth station. अच्छा मालूम, जापान में जापानीज़ लोगों से ज़्यादा तो फॉरेनर्स को शौक रहता है फुजीसान चढ़ने का, एंड वहाँ अधिकतर टूरिस्ट ही दिखते हैं। फुजीसान ना यार इतना ज़्यादा टूरिज्म का शिकार हो रहा है कि जापानीज़ गवर्नमेंट ये कहने लगी है कि माउंट फुजी स्क्रीमिंग, एंड नाउ अथॉरिटीज़ हैव हैड इनफ सेइंग द नंबर ऑफ हाइकर्स ट्रेकिंग अप द वर्ल्ड फेमस वोल्केनो नाइट एंड डे इज डेंजरस एंड एन इकोलॉजिकल एम्बैरेसमेंट। अच्छा बट मालूम हाइकिंग साल भर नहीं होने देते हैं यहाँ पर, लाइक अराउंड मिड सेप्टेम्बर इट बिकम्स रियली कोल्ड एट माउंट फूजी एंड हाइकिंग क्लोज कर दी जाती है बिकॉज इट्स वेरी वेरी डेंजरस। एंड जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अलाउ नहीं करते हैं एंड टेम्परेचर इज़ रियली लो राइट नाउ, बट समर के टाइम पर वापस खोल देते हैं एंड उसी टाइम सबसे ज़्यादा लोग हाइक करते हैं यहाँ पर। अच्छा इस बार की जो वीडियो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूजीसान, एक्चुअली दिस इज़ अ स्कूल ऑर्गेनाइज ट्रिप टू फूजीसान। तो हम 2 दिन 1 रात के लिए ट्रिप पर गए थे एंड बिकॉज स्कूल हैड इट्स ओन शेड्यूल ऑफ़ द ट्रिप, तो हमें समिट तक जाना अलाउड नहीं था, बट मेरा मन बहुत कर रहा था वहाँ पहुँचने के बाद समिट तक जाने का, बट कोई नहीं यार नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली समिट चढ़ेंगे। तो स्कूल के हमारे शेड्यूल में हमें ओसाका से बस से बाय रोड ले जाया गया था एंड फर्स्ट डे में हमें शिराई तोनोताकी एक झरने पर ले गए थे एंड फिर किनेजुका या सोनजो स्कामारी दोरिनो सातो फिशिंग करने की एक जगह थी वहाँ ले गए थे एंड फिर शाम तक हम सब होटल आ गए थे एंड नेक्स्ट डे फुजीसान देखने का शेड्यूल था एंड उसके बाद हमें हाकोनो से किशो नाम की एक जगह है वहाँ पर ले गए थे, वहाँ पर हमने बहुत सारी क्रूजेज देखी थी। अच्छा एक बात और मुझे जो आप लोगों से शेयर करनी थी वो ये है कि यार एक्चुअली लास्ट 2 वीक पहले शायद मेरे कुछ 400 या 500 सब्सक्राइबर्स ही थे सिर्फ, लेकिन मैंने नोटिस किया यार कि रिसेंटली मेरे 1.31K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड जो डे इन अ लाइफ ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट वाली वीडियो थी उसमें कुछ 12K व्यूज आ गए हैं। And yaar guys, thank you so much to everyone who is watching my amateur videos. Aina mujhe pata hai ki aap sab ke andar jo Japan ko lekar pyar hai wahi aap sabko mere channel tak kheench ke lekar aaya hai. To bhai jo mere andar ki aasha ki kiran na wo jaag chuki hai ekdam bilkul. And bahut jald matlab 1 million. To chalo ab in depth thoda Fujisan ke school trip ko mere sath relive karo. एंड क्योंकि यार माउंट फुजी के बारे में लाइक लिटरली मैं जब इंडिया में था मैं बहुत कुछ सुनता था
एंड अब जब यहाँ पर फाइनली आने के बाद जब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड एक स्कूल ट्रिप के थ्रू मैं गया फुजीसान, वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया मैंने, इट वॉज वेरी स्पेशल। एंड यार जापान का प्रॉपर जो नेचर है ना वो देखने मिला यार, लाइक जब आप हाईवे पे निकलते हो जापान के हाईवे तो कैसा लगता है, वो जो बस ट्रिप होती है वो भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज एंड प्लीज एंजॉय द वीडियो। बोलो गणपति महाराज की जय। तो ओसाका से हमारा बोरिया बिस्तर बांध के हम निकल चुके थे हमारे इस रोड ट्रिप के लिए। तो भाई स्टार्टिंग में तो हम लोग सिटी के मजे ले रहे थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जापान के विलेज वाले एरिया में जाने लगे थे हाईवे को क्रॉस करके, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीनरीज देखने मिल रही थी मुझे। ये शायद 10 बजे के अराउंड हम लोगों को एक ब्रेक मिला था छोटा सा, मैंने ली थी वहां पर एक छोटी सी आइसक्रीम एंड कॉफी और एक डोरा केक क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। तो कुछ 3 घंटे की राइड करने के बाद हम लोग फिर से रुके थे हमारे लंच ब्रेक के लिए। तो लंच के लिए हम लोगों को रोका गया था एक होटल में जो कि स्कूल के टाई अप के साथ था, एंड वहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेडिशनल जैपनीज फूड प्रोवाइड किया गया जहाँ पर राइस एंड सी फूड बेस्ड था बेसिकली फूड जो था। तो ऐसा फूड तो मैंने भी पहले जापान में नहीं खाया था, तो टेस्टी तो ज़रूर था। मेरे दिमाग में तो उस टाइम पर भी यही चल रहा था कि यार हाईवे में रुक रहे हैं तो ढाबे आवे में रुक के रोटी पराठा खाना चाहिए। कहाँ ये तो कोई जितने भी सोविनियर्स है उम्मी आगे क्या बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ बेटे आजा बेटे। ये है खरबूज की टोपियाँ, यहाँ हम थोड़े खरबूज को तरस गए हैं टोपियाँ बना के बेच रहे हैं। जो चलने लगे हैं ये रास्ते। फिर हम पहुंच गए थे हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन शिराई तोनोताकी, एक बहुत बड़ा वाटरफॉल। अभी हम लोगों को पूरा वहां तक जाना है वाटरफॉल से, हम फिर ऊपर जाएंगे। ओ भाई मैं हो गया हूँ गीला, अभी वहाँ पूरा नीचे तक गए थे और भयंकर गीला हो गया वहाँ पे। ये लोग अभी भी रुक नहीं रहे, बट यार व्यू बहुत बढ़िया है एंड पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये जो वाटरफॉल है यहाँ का पानी इतना ज़्यादा साफ था कि नीचे का पूरा ज़मीन दिख रहा था मुझे अच्छे से क्लियरली, एंड बहुत ही प्योर वाटर लग रहा था। एंड वहाँ पर हम लोगों ने बहुत मस्तियाँ मारी थी, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहे थे एंड ठंडा ठंडा पानी था तो बहुत मज़ा आया था। स्टोर कितना यूनिक है, जापान में स्टोर बहुत होते हैं, लाइक यहाँ पर कोई है नहीं एंड आप खुद से ले लो एंड पैसे यहाँ छोड़ जाओ, शायद ऐसा कुछ सीन है। तो जापान में ये कल्चर बहुत फॉलो होता है यार, ट्रस्ट के ऊपर चलता है पूरा। ऐसे टाइप के स्टोर्स सिटी एरिया में तो कम देखने मिलते हैं, बट हाईवे और ऐसे कंट्री साइड एरिया में देखने मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग फुजीसान के पास पहुंच रहे थे ठंड मेरे को फील होने लगी थी एंड धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो रहा था, बट थोड़े से क्लाउड्स भी दिखने लगे थे ऊपर, तो हमें डाउट था यार कहीं फुजीसान देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे हम लोग ढंग से, बट इट ऑल टर्नड आउट वेरी ग्रेट एंड फिर हम लोग हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगे थे। ओह भाई बहुत ही प्यारा व्यू है यार, ऐसा लग रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ एन एनीमे।
हम हमारी सेकंड डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे किनेजुकाया सोनजो कामारी दोरिनो सातो एंड यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी फिशेस पकड़ी थी। मेरे से तो भाई एक गिनी पकड़ी गई थी, मैंने तो मार्शमेलोस खाई थी एंड पानी बहुत ठंडा था यहां का एंड व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि विलेज के बीच में आकर बैठ गए हैं और मालूम यहां से फुजीसान भी दिखने लगे थे हम लोगों को, तो हम समझ गए थे कि बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं। से तुरंत वॉश करो फिर उसके बाद आप ऑफरों में चले जाओ। पूरी थकान उतर जाती है भाई, पूरी थकान उतर गई सीरियसली। बोलते हैं सेंचा, ये सेन की कांजी और ये ओचा का चा। सेंचा मींस ग्रीन टी। ये लोग भाई अभी हम सबके सब रात के टाइम पे यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, पार्टी नमी का ही दो तीन देर टाइप कुछ चल रहा है।
देखो पागल है सब सुनता है क्यों अभी सुबह के 4 बज रहे हैं 4:30 और हम लोग इतनी जल्दी इसलिए उठ गए क्योंकि यहाँ पर पास में एक कन्वीनियंस स्टोर है उसके पास में ही एक बीच टाइप बना हुआ है और वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू होगा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सनराइज़ देखते हैं। कल रात को मैंने वो बीच नोटिस किया था जब हम लोग कन्वीनियंस स्टोर गए थे तो मेरे दिमाग में आया कि चलते हैं वहाँ पर यार एंड सनराइज़ देख के आते हैं जापान में। और अभी तो लाइक आज जापान का सनराइज़ 5 बजे हो रहा है, मोस्टली 4:30 तक हो जाता है बट आज का हमने देखे तो 5 बजे होने वाला। अभी ये देखो पूरा काला हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हल्की हल्की आने लगी है तो बस हम निकल ही रहे हैं। इको इको भाई ये 3-4 लोगों के साथ जा रहा हूँ थोड़ा लेट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब लगभग हो ही गया, बाहर आ ही गया सन। ओ बचा भाई बचा, प्रॉपर देख सकते हैं। ओ ये देखो भाई मून अभी भी चमक रही है। ओह इट्स गोना बी देयर आई थिंक। ये 5 बजे में सुबह के बस होने वाली है सनराइज। ओ भाई उधर से जो सनराइज आ रही है प्यारी लग रही है, देखते हैं। बादल क्लियर हो गए तो फुजी सान दिखने लगे। तो भाई आज हमारा सेकेंड डे है फुजी सान ट्रिप का एंड अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड 7:45 पे हमें निकलना है। अभी 7:10 हो रहा है, 7:45 पे यहाँ से निकलेंगे एंड फिर फुजी सान चढ़ने जाएंगे और मैं ये भिंडी खा रहा हूँ। सफर शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफर भाई हम लोग अभी फुजीसान के थोड़े बहुत ऊपर तक आए हैं। देख रहे थे यारी था इन्हें व्यापारी फॉरएवर हाइकिंग मेरे को से इसने भाई फुजीसान दिखने लगे। ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं सोविनियर शॉप्स। अब हम लोग ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, मेरे को जाने का बहुत मन है बट ये देखो यार ये हाइकर्स जा रहे हैं भाई, मेरा बहुत मन है यार ऐसा हाइकिंग शूज खरीद के प्रॉपर फुजीसान जाने का। यहाँ का सोविनियर का शॉप ये टी शर्ट अपनी मंजिल का पता ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता। शोले का ठाकुर बना घूम रहा है कुछ ये मैं कुछ कर इनमें से कोई सी भी ले सकता हूँ मैं वाली चूज करी। तो हमारे लिमिटेड टाइम में हम जितना चढ़ सकते थे फुजीसान उतना चढ़ना चाहते थे इसलिए मैंने जल्दी से मेरी हाइकिंग चालू कर दी थी। ज्यादा ऊपर तक तो मैं नहीं गया था बट जितना जा सकता था उतना गया था। ये देखो क्लाउड्स यार कितने प्यारे लग रहे हैं, कोई क्लाउड्स पे भरोसा ही नहीं हो रहा है।
क्या है भाई ये? तो ये क्लाइंबिंग रूट था यहाँ पर, एंड समिट जाने के अलग अलग रास्ते थे, और हम जिस पॉइंट पे थे वहाँ से सबसे पास 6 स्टेशन दिख रहा था। तो मैं सोच तो रहा था 6 स्टेशन तक जाऊँ, बट मैं शायद जा नहीं पाया था उतना दूर तक। एंड ये देखो अलग अलग ट्रायल्स बने हुए हैं, किलोमीटर और 385 मिनट लगेंगे अगर हम जाते हैं। देखो लोग तो यहाँ पर हॉर्सेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यार क्योंकि टाइम हो गया था और हमें नीचे बुलाया गया था, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा, मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया था। एंड यार फुजीसान, आई विल कम बैक डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर फॉर यू। तब तक के लिए सायोनारा। तो गाइस फिर हम आ गए थे हम हमारी लास्ट डेस्टिनेशन में, जो कि थी हाकोने सिक्शो। यहाँ पर हमने बहुत सारी बोट्स देखी थी एंड फेरीज देखी थी। तो भाई अभी हम लंच करने आ गए। एंड यार एक तो बोट थी भाई जो कि इतना ऐसा लग रहा था वन पीस से निकल के आई है, उसमें बैठने का बहुत मन कर रहा था सभी का, मेरा भी बहुत मन कर रहा था, बट हम सब बैठ नहीं सकते थे उस पर। तो हमने इंजॉय किया व्यू को। कॉलेज वापस जा रहे हैं, खाना वाना खा लिया है, एंड ये देखो हम लोग मूवी देख रहे हैं टॉय स्टोरी 4। तो गाइज इसी के साथ हमारा फुजीसान का जो ट्रिप है वो हुआ संपूर्ण। और इस पिक में मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं नहीं दिखूंगा इस पिक में, क्योंकि ये पिक मैं ही ले रहा हूँ। एक्चुअली हमारी टीचर्स जो है वो बहुत बार कोशिश कर रहे थे एक परफेक्ट पिक लेने की जिसमें फुजीसान भी दिख जाए, क्योंकि क्लाउड्स बार बार आ रहे थे और ले ही नहीं पा रहे थे ये लोग। तो मैंने बोला आप लोग जाओ जरा मैं ट्राई करता हूँ, और जैसे ही वो क्लाउड्स हटे तो फिर मैंने फटाक से फोटो ले ली इन सबकी। इस बार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट जिसने भी आखिरी तक देखा है थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।